हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। दोस्तों, गर्मियों का सीजन चालू होते ही हर कोई ठंडा पानी ढूंढता है, चाहे पीने के लिए हो या फिर नहाने के लिए। गर्म पानी आने की वजह से हाथ मुंह धोने का मन नहीं करता, क्योंकि धूप की वजह से टंकी का पानी काफी गर्म हो जाता है। पीने के लिए तो आपको फ्रिज या मटके का पानी मिल ही जाता है, लेकिन हैंड वॉश करने के लिए, मुंह धोने के लिए और नहाने के लिए आपको मिलता है टंकी का गर्म गर्म पानी। इसके लिए हमारे पास दो तीन ऑप्शन हैं। या तो टंकी के ऊपर शीट लगा दी जाए परमानेंट, या फिर आसपास सीमेंट लगा दी जाए जिससे टंकी गर्म ना हो। अगर ये सब नहीं कर सकते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एक देसी जुगाड़। अब देसी जुगाड़ के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। पहला, हमें चाहिए जूट का बोरा, जो कि आसानी से घर पे मिल जाता है। इसमें चावल या आलू प्याज के कट्टे होते हैं। दूसरा, रस्सी। हमें बड़ी सी रस्सी चाहिए और चाहिए एक बड़ी सी सुई, जिसे सूजा भी कहते हैं, बोरा सिलने के लिए। तीसरा जो सामान है वो है कैंची, काटने के लिए। इन देसी जुगाड़ से करेंगे हम अपनी पानी की टंकी को पैक। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो इन सारे सामान को लेकर आइए आप अपने छत पर। मैं बताती हूँ कि इसे लगाना कैसे है। यहाँ हम लेंगे ये जूट का बोरा, इसे हमें इस टंकी में लगाना है। सबसे पहले आप इस बोरी को बीच बीच से सिलाई कर ले। मैं इन बोरी में सिलाई कर लेती हूँ। ये बोरी आपको आसानी से मिल जाएगी। इसमें अनाज के कट्टे भरे होते हैं, जैसे चावल, आलू, प्याज आदि। अगर आपके घरों में ऐसे बोरी नहीं है तो आप नज़दीकी कबाड़ की दुकान से भी इसे ला सकते हैं। ये आपको आसानी से 5 से 10 रुपए के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों, इससे हम अपनी पानी की टंकी को धूप से बचा सकते हैं और उसकी पानी को गर्म होने से भी बचा सकते हैं। इस बोरी को हम इस रस्सी की मदद से अच्छे से बांध लेंगे और इस बोरी को आप ऐसे ही डबल लगाएं, क्योंकि ये मोटा रहेगा तो ही हमारी पानी की टंकी गर्म नहीं होगी और इसका पानी भी ठंडा रहेगा। जिसके यहाँ सीमेंट की टंकी है उनका तो ठीक है, लेकिन जिनके घर सीमेंट की टंकी नहीं है उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसे में हमें कुछ ना कुछ घरेलू जुगाड़ करने होते हैं जिससे कि हमें ठंडा पानी मिल सके, क्योंकि गर्मियों में टंकी का पानी इतना गर्म हो जाता है कि पानी को छूने का मन ही नहीं करता। ऐसे में हमें हैंड वॉश करने का, फेस वॉश करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसे ऊपर और नीचे सभी जगहों से अच्छे से कवर कर ले और इस पूरी टंकी को इस रस्सी की मदद से अच्छे से बांध ले, ताकि ये उड़े नहीं और इसी पर फिक्स रहेगी। मैंने रस्सी की मदद से इसे अच्छे से पूरा कवर कर लिया है। मैंने ढक्कन के ऊपरी हिस्से को बोरी से अच्छे से ढक लिया है और उसके ऊपर रख देती हूँ 2-3 ईंटे, ताकि ये बोरी उड़े नहीं। और ये सब होने के बाद आपको जब भी टाइम मिले सुबह आप इस टंकी के ऊपर पानी डाल दें। ये गीला रहने के कारण आपकी पानी की टंकी गर्म नहीं होगी और आपका पानी भी एकदम ठंडा रहेगा। कुछ सेकंड के लिए हो सकता है कि आपको पाइप का पानी गर्म आए, लेकिन उसके बाद आपको टंकी का पानी बिल्कुल ठंडा मिलेगा, जिससे आपको बार बार नहाने का मन करेगा और बार बार मुंह धोने का भी मन करेगा। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको मेरी ये देसी जुगाड़, मुझे तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इससे पहले वीडियो में मैंने पानी की टंकी को साफ करने का आसान सा तरीका बताया है, बाथरूम की टाइल्स को क्लीन करने का आसान सा तरीका बताया है, और इसी तरीकों के नए नए वीडियो लाते रहूँगी। आप ज़रूर देखें और मेरे चैनल घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।